फ्रेंड्स, मेरा नाम मस्तान टेक एंजल में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट के बारे में, एंड्रॉइड ऐप बनाने के बारे में, एंड्रॉइड ऐप की डेवलपिंग के बारे में, कैसे बनती है एंड्रॉइड ऐप को, कैसे बनाई जाती है एंड्रॉइड एप्लीकेशन, साथ साथ एंड्रॉइड एप्लीकेशन से कितनी कमाई होती है और आप लोग क्या कमा पाएंगे एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाकर, छोटी सी एंड्रॉइड एप्लीकेशन कितना दे सकती है आपको पैसा। तो बस आज के लिए बस इतनी सी ही बातें करेंगे, ज्यादा नहीं। आगे अगर कुछ इस विषय में आगे इंटरेस्ट पड़ता है तो आगे भी हम बात करते रहेंगे इस विषय में। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के बारे में, एंड्रॉइड एप्लीकेशन कैसे बनाई जाती है। तो दोस्तों, अगर एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो साइट्स निकल कर आती हैं बहुत सारी ऑनलाइन, जहां पर हम ऑनलाइन साइट्स पे डेवलपमेंट कर सकते हैं एंड्रॉइड एप्लीकेशन का। साथ ही साथ अगर एक ऑफलाइन सॉफ्टवेयर की बात करें तो यहां पर MIT और एंड्रॉइड ऐप स्टूडियो, एंड्रॉइड स्टूडियो, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स भी निकल कर आते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर्स की अगर हम बात करें तो सॉफ्टवेयर 4GB से अधिक रैम या फिर 4GB रैम वाले PC में ही सपोर्ट करते हैं, या फिर उनके लिए हमें हाई एंड रेंज का एक कंप्यूटर चाहिए होता है, PC चाहिए होता है, और उस पर हम वर्क कर पाते हैं। ये कोई मोबाइल पर वर्क करने का ये कोई भी ऐसी एप्लीकेशन नहीं बनी आज तक जो मोबाइल पर आप एंड्रॉइड की डेवलपमेंट कर पाए। तो ऐसे में अगर आप एंड्रॉइड की बात करें, सॉरी एंड्रॉइड की नहीं, PC की बात करें, तो हाई एंड PC बहुत ही कम लोगों पर पाए जाते हैं और हमें पे आप पे शायद ही किसी एक पर होगा हाई एंड PC। और यहाँ पर काफी टफ कोडिंग भी होती है, तो इसकी C++ और जावा की कोडिंग होती है, ये भी काफी टफ होती है। तो ऐसे में हम एक अपनाते हैं सरल तरीका जो होता है ऑनलाइन ऐप डेवलपमेंट का। ऑनलाइन ऐप डेवलपमेंट में कोई भी कोडिंग नहीं है किसी भी तरीके की, ना ही जावा की, ना ही C++ की। अगर ऐसे में आती है एक सरल सी बात, तो वो है कि अगर आप ऑनलाइन एक एप्लीकेशन बना पाए और उससे कमाई कर पाए तो कितना अच्छा होगा। तो यहाँ पर दोस्तों निकल कर आती है बहुत सारी साइटें, जिसमें से एपी बिल्डर और मैक्रो आईडी, साथ साथ एंड्रॉइड ऐप की बनाने वाली सबसे बड़ी साइट थंकेबल.com और ऐसी ही कई सारी साइटें हैं, एपी पाई और बिल्डर ऐप, मेक सम ऐप, ऐसी बहुत सारी साइटें हैं। अगर मैं बात करूं तो कम से कम 50 साइटें इस तरफ और 50 साइटें इस तरफ, दो भागों में डिवाइड करके आएंगी, क्योंकि एक जो साइट है थंकेबल और मैक्रो आईडी और एपी पाई, वो एपी बिल्डर, ये साइटें होती हैं ड्रैग एंड ड्रॉप की। आप यहाँ पर अपनी मनपसंद चीज कंपोनेंट उठाकर लगाएंगे, साथ ही साथ उसका ब्लॉग बनाएंगे, आपका हो जाता है ऐप तैयार। दूसरी तरफ ऐप आती है कि पहले से ही टेम्पलेट्स दिए हुए हैं, दूसरी साइटम जैसे एपी पाई है, एपी बिल्डर है, ये छोटी छोटी साइटें होती हैं, ये साइटें पहले से ही कुछ टेम्पलेट्स तैयार रखती हैं और उन टेम्पलेट्स पर आपको काम करवाती हैं और उन टेम्पलेट्स को आप थोड़ी बहुत चेंजिंग करके आप बना पाते हैं एंड्रॉइड की एप्लीकेशन। उनमें मोनिटाइज अगर आप करते हैं, इस साइड वाली अगर आप एप्लीकेशन में मोनिटाइज करते हैं, मैं बता दूं पहले से ही ऐसी एप्लीकेशन जिनमें पहले से ही टेम्पलेट दिए हुए हैं उनमें अगर आप मोनिटाइज करते हैं तो उसका 50% एप्लीकेशन वाले को जाता है, 50 से ज्यादा भी जा सकता है और आपके लिए मिलता है 50 से कम। तो अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप वाली को इस्तेमाल करते हैं तो 95% जाता है आपके लिए और 95 से 5% तक जाता है एंड्रॉइड ऐप बनाने वाले को। और साथ ही साथ अगर आप उसे डोनेट करते हैं कुछ पैसे, तो उस डोनेशन का आपको पूरा कंप्लीटली 100% उस एप्लीकेशन का आपको जाएगा पैसा, और जो डोनेट करे होंगे आपने पैसे, वो पैसे चले जाएंगे उस साइट को। तो इसी तरीके से आप बना पाएंगे एंड्रॉइड की एप्लीकेशन। यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप की काफी सारी साइट्स मिलती हैं, जैसे कि मैक्रो आईडी। ये मैक्रो आईडी दोस्तों साइट जो है मैक्रो आईडी.io, ये साइट का नाम है मैक्रॉइड, मतलब एंड्रॉइड का रॉइड है और मैक अलग है, मैक्रॉइड.io है, ये मैक्रो आईडी इसे बोलते हैं। तो मैक्रो आईडी.io और साथ ही साथ यहाँ पर निकल के आती है सबसे बड़ी साइट थंकेबल.com या फिर beta.thunkable.com, दोनों पर जाकर आप साइट से बना सकते हैं एप्लीकेशन। साथ ही साथ तीसरी साइट यहाँ पर निकल कर आती है एपी बिल्डर। तो इनमें से कौन सी ऐसी साइट है जो बढ़िया रहेगी आपके लिए? तो एपी बिल्डर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सबसे बढ़िया रहेगी आपके लिए। यहाँ पर घुमा फिरा कर बात करने से अच्छा है सीधी बात करूं स्ट्रेट में, एपी बिल्डर सबसे अच्छी रहेगी, क्योंकि अगर एपी बिल्डर की हम बात करते हैं तो एपी बिल्डर आपको देती है एडमॉब के एड लगाने को, साथ ही साथ एडमॉब के वीडियो एड्स लगाने को, रिवॉर्ड वीडियो एड लगाने को, साथ ही साथ इंडस्ट्रियल एड्स लगाने को, बैनर एड्स लगाने को, सभी तरीके के एडमॉब के आप एड लगा पाएंगे यहाँ पर, केवल आप नेटिव एड्स को छोड़कर। साथ ही साथ अगर बात करें हम इसकी एपी बिल्डर की कि और एड्स कौन कौन से लगा पाएंगे, तो यहाँ पर आप अमेजोन के भी एड्स लगा पाएंगे, साथ ही साथ आपके और एड्स जो होंगे छोटे मोटे वो भी सारे एड्स यहाँ पर लगा पाएंगे। अगर आप बात करें कि और जो और साइट है जैसे thunkable.com, beta.thunkable.com, इसमें आप तीन तरीके ही एड्स लगा पाएंगे, जो है कि आपके बैनर एड्स और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल एड
और आपके रिवॉर्ड वीडियो ऐड यहाँ पर सम्मिलित नहीं है, यहाँ पर एक तरीके के और कोई ऐड होंगे वो फिलहाल में पर तीन ही तरीके के ऐड आते हैं यहाँ पर और कोई भी ऐड नहीं है। साथ ही साथ अगर हम बात करें मैक्रो आईडी की तो मैक्रो आईडी भी जो है आपका वो केवल चार तरीके के एड्स ही सपोर्ट करता है, पांच छह तरीके के एड्स नहीं है। लेकिन जबकि सबसे ज्यादा एड्स यहाँ पर आप लगा पाएंगे वो है एपी बिल्डर। एपी बिल्डर से अगर आप किसी भी एप्लीकेशन को बनाना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करें और कमेंट के बाद आप AIA फाइल उसकी तुरंत पाएं, तुरंत इंस्टेंट नहीं अगली वीडियोस में मैं आपको उसकी कुछ फाइलें देने वाला हूं जिन फाइलों की मदद से आप एडिट करके उन फाइलों को अपने एड्स डालकर और अच्छी मतलब एक तो जेन्युइन ऐप जिसे बोलते हैं लगभग मान के चले उस ऐप से आप डेली कमा पाएंगे। अगर आपने 500 या 1000 डाउनलोड होगा तो उस ऐप से आप कमा पाएंगे 500 या 1000 डॉलर में अगर बात करें तो $100 के करीब आप कमा पाएंगे एक दिन में, $100-150 ही आप कमा पाएंगे उससे। लेकिन इंस्टेंटली मैं आपको उस ऐप को एडिट करना सिखा दूंगा, उस ऐप में क्या होता है और उस ऐप को क्या करना होता है। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।